19 साल की लड़की ने 70 साल के बाबा जी से मोहब्बत की शादी कर ली। आंख से आंख लड़ी तो ये जा रही थी तो मैंने पीछे से गुनगुनाना शुरू कर दिया। अच्छा तो कल्ली कल्ली कितने चली। तो दोस्तों पाकिस्तान की एक 19 साल की लड़की ने कि अपने दादा की उम्र के बुढ़े के साथ शादी जो कि 70 साल का था। तो उस लड़की ने उस बुढ़े में ऐसा क्या देखा कि उसे प्यार कर लिया और उसे शादी कर ली। तो चलिए देखते हैं उस लड़की की बेवकूफी। 19 साल की लड़की ने 70 साल के बाबा जी से मोहब्बत की शादी कर ली। कैसे मॉर्निंग वॉक पे इन दोनों का आपस में टकरा हुआ और वो वॉक मोहब्बत में बदली वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे। मुझे ये बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम लियाकत अली। लियाकत अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल है? बहुत अच्छा हाल है। अच्छा आपका नाम क्या है? शुमाइला। शुमाइला, आपकी सर उम्र कितनी है? मेरी उम्र 70। 70 साल जी। आपकी उम्र कितनी है? 19 साल। 19 साल। मुझे ये बताएं कि आप दोनों इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप दोनों ने आपस में मोहब्बत की शादी कर ली? हाँ, वॉक करने जाते थे, कभी ये इधर से गुजरती थी, कभी मैं इधर से गुजरता था। अच्छा। बस वहाँ पे टकरा हुआ, आंख से आंख लड़ी तो ये जा रही थी तो मैंने पीछे से गुनगुनाना शुरू कर दिया। अच्छा। कल्ला बंदा होवे पावे कल्ला रुख नहीं, दोवां कल्ले नूं होंदा बड़ा दुख नहीं। तू कल्ली कल्ली कित्थे चली? उन्होंने मुड़ के देखा, मैंने टर्न ली, बस मोहब्बत हो गई। अच्छा, आपको इनसे कैसे मोहब्बत हुई? आपकी एज इतनी कम है और इनकी इतनी ज्यादा, आपको तो ढूंढना चाहिए था अपनी एज का कोई। कैसे मोहब्बत हुई? मॉर्निंग वॉक में क्या हुआ, क्या सीन? देखे, इश्क में जो है उम्र नहीं देखी जाती, बस हो जाती है मोहब्बत। अच्छा। तो इसमें पता नहीं चलता कि क्या उम्र है, क्या जात है, क्या है क्या नहीं, बस हो गई मोहब्बत। कुछ इन्होंने आंख में टक्का किया, कुछ मेरा हो गया। अच्छा, तो अब आपके इसमें अक्सर ये होता है कि घर वालों को इतराज़ तो नहीं हुआ? आपके घर वालों को कभी इतराज़ तो नहीं हुआ? मेरे घर वालों को इतराज़ हुआ ज़रूर था, लेकिन मना लिया था हमने। अच्छा। उन्होंने कहा जब आप लोग राजी हैं तो हमें क्या लगे। अच्छा, तो जब आपने इनसे पूछा, आपके पीछे कोई नहीं था सर खानदान में? नहीं नहीं, मेरा कोई भी नहीं था। तो इनसे आपने जब बात हुई, वॉक इकट्ठे करते थे आप? वॉक पहले तो अलग अलग करते थे, फिर ट्रैक एक होते गए और फिर घर एक हो गए हमारे, इसी तरह चलता रहा। अभी कितने महीने हो गए आपकी शादी को? हमारी शादी को हो गए 4 माह हो गए। 4 माह हो गए। तो ये हमें एक स्टोरी मिली जी, इससे पहले हमें एक स्टोरी की, वो वायरल भी हुई, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स उनको मसला हो गया, ऐसा ही मसला हो जाता है। स्टोरी से मैं क्राइम की स्टोरीज बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ हेल्पिंग की, बहुत से लोगों की हेल्प भी होती है, लेकिन कुछ ऐसी होती है एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, उन पर इनको सड़ के बस राख हो जाते हैं लोग, लेकिन उससे कोई मसला नहीं। खैर, इनकी स्टोरी आप जाने आगे। तो सर ये बताएं कि आपने ये नहीं सोचा कि ये छोटी उम्र की है, इससे शादी करेंगे, कल लोग बातें करेंगे? नहीं, सोचना क्या है, वो आपने सुना नहीं, दिल होना चाहिए जवान तो उम्र इंच की रखिया। ये असल पॉइंट है कि दिल होना चाहिए जवान उम्र इंच की रखिया। तो आप मुझे ये बताएं, अब आप लोग आपस में इकट्ठे रहते हैं तो वालदैन का आना जाना है इनके आपकी तरफ आते हैं? हाँ, हम बिल्कुल आते हैं, कोई इतराज ही नहीं है। कोई इतराज नहीं है, सब सुकून मोल थे मीठे चोल। हाँ, ऐसे ही है बिल्कुल। जब हमने उनको कह दिया कि हमें इतराज नहीं है तो आपको भी नहीं होना चाहिए। अच्छा नाजिन, बड़ी हैरत की बात है, मतलब देखें ऐसी बहुत सी शादियां पाकिस्तान में होती हैं, हमने कितनी कवर की है, मुल्तान तक कवर की, कम एज डिफरेंस। तो मुझे एक बात बताएं, एज डिफरेंस के बगैर शादी करनी चाहिए? मतलब किसी की ज़्यादा उम्र हो तो कम उम्र की लड़की को उससे शादी करनी चाहिए ना? हाँ, कर लेनी चाहिए। आपने वो मिसाल नहीं सुनी कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है? ये मुझे खांसी आ रही है, वरना मैं ज़्यादा जोर का मेरा कहका लगना था कि बड़ी मछली हमेशा छोटी उम्र खा जाती है। खा जाती है। नहीं, शादी ये जायज़ भी है इस तरह? हाँ जायज़ है, एज यू लाइक, दोनों फ्रीक अगर ओके हैं तो। आप बताएं कि इस एज में, क्योंकि लोगों को माशरे में बातें तो होती हैं, तो आप लोगों को, मेरे ख्याल में नहीं देखती, बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं करता। ठीक है, जब आपको एक सपोर्ट मिल रही है, आपको इज्जत के साथ लाया जा रहा है, तो फिर नहीं होनी चाहिए बात। आपकी अपनी जिंदगी है, जैसे जिए अपनी जिंदगी, किसी का कोई काम नहीं बनता। ख्याल में आपकी स्टोरी सुनने के बाद बहुत से लोग चाहेंगे कि वो मॉर्निंग वॉक पे जाएं, है ना? हाँ, क्यों नहीं जाना चाहिए, वैसे भी सेहत के लिए अच्छा है। आपकी उम्र 70 है और अभी तक आप फिट हैं माशाल्लाह, अल्लाह का करम। बीपी का मसला? कुछ भी नहीं। शुगर? कुछ नहीं। कोई सर दर्द? कभी नहीं। सिर्फ मोहब्बत का दर्द? सिर्फ मोहब्बत का दर्द।
हाय क्या बात है, बाबा जी जो हैं वो इस उम्र में भी माशाल्लाह देखें कितने मिजाज इनका कितना अच्छा है। तो आप मुझे अब बताएं कि आपस में आप इस उम्र में भी रोमांटिक हो जाते हैं? रोमांटिक होने के लिए उम्र का तकाजा नहीं होता। अच्छा, ये कभी भी आ हर उम्र का अपना रोमांस है। हर उम्र का अपना रोमांस। क्या बात है, आपने 70 बारें देख ली यार। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि एक 19 साल की लड़की ने एक 70 साल के बुढ़े से शादी कर ली, तो उस लड़की ने उस बुढ़े में क्या देखा, ऐसा उसने उस बुढ़े में क्या देख लिया कि उससे प्यार किया और शादी कर ली। भाई बुढ़ा है, बुढ़े को तो अच्छा ही लगा होगा कि उसे एक कवारी लड़की मिल गई, इतनी सुंदर लड़की मिल गई और उसकी तो चलो चल भी जाएगी। तो लड़की ने उस बुढ़े में क्या देख लिया कि उसे शादी कर ली, बता। ऐसी पाकिस्तान में क्या ऐसे ही बेवकूफ लोग रहते हैं क्या? अपने फ्यूचर के बारे में वो कुछ सोचते नहीं है? बुढ़े का तो चलो अभी कोई फ्यूचर ही नहीं है, उसकी तो अभी 1-2 साल की लाइफ और है, लड़की की तो अभी पूरी उम्र पड़ी है, उसे तो अपनी अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए था, उसे उसने ऐसा क्यों किया? तो वो लड़की एक नंबर की बेवकूफ है। तो आप लोग इस वीडियो के बारे में हमें क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।